एड़ियों का फटना खासकर विंटर के मौसम में होता है, लेकिन जिनकी स्किन ज़्यादा खुश्क रहती है, ड्राई रहती है, उनकी हर मौसम में एड़ियाँ फटती रहती हैं। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आप उसे रात को सोने से पहले यूज़ करते हैं तो घर बैठे ही आप अपनी फटी एड़ियों को ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते में। हम सभी अपने स्किन का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है एड़ियों की, इनको हम भूल जाते हैं, यानी इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से वो अपना नरिशमेंट खो देती हैं और उनके अंदर रूखापन आ जाता है और हमारी एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पे कैंडल। एक यहाँ पे आपको स्टील का बर्तन लेना है, कोई भी बोल ले लें, कोई छोटी कटोरी ले लें, उसमें आपको ये मोमबत्ती को तोड़कर डालना है। इसके अंदर का जो भी थ्रेड है वो हम निकाल लेंगे। एक यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का मोमबत्ती का टुकड़ा लिया है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल डालने के बाद हमने इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डाल दिया। नारियल का तेल स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। अब स्लो गैस पे हमने इसे रखना है और 1 मिनट तक धीरे धीरे इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है, जब तक कि मोम इसमें मेल्ट ना हो जाए। तेल गर्म होने के बाद मोम इसमें पिघल जाएगा, तो गैस को ऑफ करके इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा जमने लगेगा। तो जमने से पहले हम इसमें डाल देंगे एलोवेरा जेल। 1/2 चम्मच आप एलोवेरा जेल डाल दें। अगर आपके पास नहीं है, प्लांट वाला है, तो उसका जेल निकाल कर भी आप उसे मिक्सी में डालकर पीस कर इसे डाल सकते हैं। अच्छे से मिला दें और थोड़ी देर के लिए रख दें। तो ये आपकी फटी एड़ियों को 1 हफ्ते में ठीक करने के लिए बहुत ही खास रेमेडी बनके तैयार हो गई है। अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है, रात को आप अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर लें और टॉवल से ड्राई कर लें। फिर आप जहाँ पर भी आपकी एड़ियाँ फटी हैं वहाँ पर आप इसे लगाएं और 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। अगर आपकी काफ़ी दरारें एड़ियों की फट गई हैं तो उसके अंदर इसको भर दें और फिर आप सॉक्स पहनकर सो जाएं। रोज़ रात को सोने से पहले आप इसे लगाएं, हफ्ते में ही आपकी फटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें एक छोटी टिक्की कपूर की भी ऐड कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगी सर्दियाँ पूरी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोगों के हाथ फट जाते हैं, पैरों की, हाथों की स्किन फट जाती है, तो आप इसे हाथों पैरों पर भी पर लगा सकते हैं। एड़ियों के अलावा भी ये आपकी फटी एड़ियों को ठीक करने के साथ साथ आपके हाथों पैरों की स्किन को भी ठीक करेगी। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसे घर पर हमेशा ही बना के रखें और पूरी सर्दियाँ आपकी एड़ियाँ कभी भी नहीं फटेंगी। आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे।